क्रिकेटर फैज फजल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज में, जिसमें हम दुनिया भर के खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की रोचक जानकारी, राज और कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। फैज फजल महाराष्ट्र के नागपुर की तरफ से खेलने वाले बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में वे बहुत सी टीमों जैसे सेंट्रल जोन, इंडिया रेड, इंडिया अंडर 19, रेलवे और विदर्भ की तरफ से खेलते हैं। फैज फजल का जन्म 7 सितंबर 1985 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, जो वर्तमान में विदर्भ क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं और इससे पहले सेंट्रल जोन, इंडिया रेड, इंडिया अंडर 19, रेलवे और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं। 2003 में 18 साल की उम्र में फैज फजल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया। रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक मारने वाले मुख्य खिलाड़ियों में से वो एक हैं। 2008 और 9 तक वे विदर्भ की तरफ से खेले और फिर इसके बाद रेलवे की तरफ से खेलने लगे। इसके बाद 2012 और 13 के सीजन में वे पुनः विदर्भ तरफ से खेलने लगे और वर्तमान में वे टीम के उपकप्तान भी हैं। आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वे प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2016 के आईपीएल प्लेयर ऑक्शन में उन्हें किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। घरेलू क्रिकेट में अत्यधिक रन बनाने के बाद चयनकर्ताओं ने अंततः 2016 के जिम्बाब्वे दौरे में उन्हें भारत टीम में स्क्वाड में शामिल किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 2 एकदिवसीय मैचों में बेंच पर बैठने के बाद अंततः 15 जून 2016 को पदार्पण किया। भारत के लिए खेले गए एकमात्र मैच में उन्होंने नाबाद 50 रन बनाए। पिछले 16 सालों में फजल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने 30 साल की उम्र में डेब्यू किया। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक क्रिकेटर के जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।